ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್. ನಾನು ಶ್ರುತಿ. ನಮಗೂ ನಿಮಗೂ ಕಾಣದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತೆ. ಇದು ನಿಜಾನಾ ಇಲ್ಲ ಮೋದಿ ವೋಟ್ ಗಿಮಿಕ? ಭಾರತ ನೇ ಆಜ್ ಅಪ್ನಾ ನಾಮ್ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಪಾವರ್ ಕೆ ರೂಪ ಮೇ ದರ್ಜ್ ಕರಾ ದಿಯಾ ಹೈ. ಅಬ್ ತಕ್ ದುನಿಯಾ ಕೆ ತೀನ್ ದೇಶ ಅಮೇರಿಕಾ ರೂಸ್ ಔರ್ ಚೀನ್ ಕೋ ಯಹ ಉಪಲಬ್ಧಿ ಹಾಸಿಲ್ ಥಿ. ಅಬ್ ಭಾರತ ಚೌಥಾ ದೇಶ ಹೈ ಜಿಸ್ನೆ ಆಜ್ ಯಹ ಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕೀ ಹೈ. ಹರ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಕೆ ಲಿಯೆ ಇಸ್ಸೆ ಬಡೆ ಗರ್ವ ಕಾ ಪಲ್ ನಹೀ ಹೋ ಸಕ್ತಾ ಹೈ. ಕುಛ್ ಹೀ ಸಮಯ ಪೂರ್ವ ಹಮಾರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕೋ ನೆ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಮೇ ಸ್ಪೇಸ್ ಮೇ 300 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ LEO ಲೋ ಅರ್ಥ ಆರ್ಬಿಟ್ ಮೇ ಏಕ್ ಲೈವ್ ಸೆಟಲೈಟ್ ಕೋ ಮಾರ್ ಗಿರಾಯಾ ಹೈ. LEO ಲೋ ಆರ್ಬಿಟ್ ಮೇ ಯಹ ಲೈವ್ ಸೆಟಲೈಟ್ जो कि एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य था उसे एंटी सैटेलाइट ए सेट मिसाइल द्वारा मार गिराया गया है. सिर्फ 3 मिनट में सफलतापूर्वक यह ऑपरेशन पूरा किया गया है. मिशन शक्ति यह अत्यंत कठिन ऑपरेशन था जिसमें बहुत ही उच्च कोटि की तकनीकी क्षमता की आवश्यकता थी. वैज्ञानिकों द्वारा सभी निर्धारित लक्ष्य और उद्देश्य प्राप्त कर लिए गए हैं. हम सभी भारतीयों के लिए यह गर्व की बात है. यह पराक्रम भारत में ही विकसित एंटी सैटेलाइट ए सैट मिसाइल द्वारा सिद्ध किया गया है. सर्वप्रथम मैं मिशन शक्ति से जुड़े सभी डीआरडीओ वैज्ञानिकों अनुसंधानकर्ताओं तथा अन्य संबंधित कर्मियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं जिन्होंने इस असाधारण सफलता को प्राप्त करने में योगदान दिया. आज फिर उन्होंने देश का मान बढ़ाया है. हमें हमारे वैज्ञानिकों पर गर्व है. अंतरिक्ष आज हमारे जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है. आज हमारे पास पर्याप्त संख्या में उपग्रह उपलब्ध हैं जो अलग अलग क्षेत्रों के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं, जैसे कृषि, रक्षा, सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, संचार, कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट, टीवी, मौसम की जानकारियां, नेविगेशन, शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, ऐसे अनेक क्षेत्र हैं. हमारे उपग्रहों का लाभ सभी को मिल रहा है, चाहे वो किसान हो, मछुआरे हो, विद्यार्थी हो, सुरक्षा बल हो. दूसरी ओर चाहे वो रेलवे हो, हवाई जहाज हो, पानी के जहाज हो या परिचालन की कोई भी बात हो, इन सभी जगह उपग्रहों का उपयोग किया जा रहा है. विश्व में स्पेस और सैटेलाइट का महत्व बढ़ते ही जाने वाला है. शायद जीवन इसके बिना अधूरा हो जाएगा. ऐसी स्थिति में इन सभी उपकरणों की सुरक्षा
पुख्ता करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आज की एंटी सैटेलाइट एसैट मिसाइल भारत की सुरक्षा की दृष्टि से और भारत की विकास यात्रा की दृष्टि से देश को एक नई मजबूती देगा। मैं आज विश्व समुदाय को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमने जो नई क्षमता प्राप्त की है यह किसी के विरुद्ध नहीं है। यह तेज गति से आगे बढ़ रहे हिंदुस्तान की रक्षात्मक पहल है। भारत हमेशा से ही अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ के विरुद्ध रहा है और इससे इस नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। आज का यह परीक्षण किसी भी तरह के अंतर्राष्ट्रीय कानून अथवा संधि समझौतों का उल्लंघन नहीं करता है। हम आधुनिक तकनीक का उपयोग देश के 130 करोड़ नागरिकों की सुरक्षा एवं उनके कल्याण के लिए ही करना चाहते हैं। इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा का माहौल बनाने के लिए एक मजबूत भारत का होना आवश्यक है। हमारा सामरिक उद्देश्य शांति बनाए रखना है, ना कि युद्ध का माहौल बनाना। प्यारे देशवासियों, भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में जो काम किया है उसका मूल उद्देश्य भारत की सुरक्षा, भारत का आर्थिक विकास और भारत की तकनीकी प्रगति है। आज का यह मिशन, आज का यह मिशन शक्ति इन सपनों को सुरक्षित करने की